आज बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे शो पे आए। मैं सोहन गोपालकर, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ डॉक्टर अभिनंदन पाटिल, जो एक ऑन्कोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और एक डायटिशियन भी है। इनका कैंसर पर भी बहुत सारा रिसर्च हुआ है और वो स्टार्टअप हीरो ऑफ महाराष्ट्र और बहुत ऐसे बहुत सारे अवार्ड से इनको नवाजा गया है। इनसे अब हम आज कुछ बातें करेंगे। वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगी, जो आपके अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। सर, हम क्वेश्चन चाहते कि हर कोई बताता है कि डिप्रेशन क्या होता है, मतलब वो कैसे होता है, लेकिन इस डिप्रेशन से बाहर कैसे आना है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले सबको मैं नमस्कार कहता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अभिनंदन पाटिल। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक्स टू सोहन कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी जिसके वजह से मैं आप सबके साथ रूबरू हो सकता हूँ। क्योंकि आजकल हम जानते हैं कि COVID-19, जिसे हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं, ये बहुत पैमाने पर इसका स्प्रेड हो रहा है और इसके वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, इट इज़ नॉट ओनली इन इंडिया पर ग्लोबली जो लोग हैं इसके वजह से अफेक्टेड है। बेसिकली हम जब इंडिया के बारे में सोचते हैं तो इंडिया इट इज़ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, इट रैंक सेकेंड एंड ऑलमोस्ट ऐसे तो करंट सिचुएशन को देख के ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों में शायद हम फर्स्ट रैंक को भी जा सकते हैं। बराबर है। जब हम साइकोलॉजी के बारे में सोचते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बात बताता हूँ। एज ए कॉमन पीपल, एज अ कॉमन इंडिविजुअल जब हम सोचते हैं तो बेसिक नीड जो हम इंडियन पीपल का है, दैट इज अ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। एंड नाउ इट इज द सेकेंड इम्पोर्टेंट प्रोस्पेक्टिव इज दैट कम्युनिटी, एंटरटेनमेंट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज हाउ वी कनेक्ट विथ वन अनदर। हम किस तरह से एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं, दैट इज द बेसिक क्राइटेरिया विच इज सीन इन आवर कंट्री। कोविड के वजह से फर्स्ट टाइम आफ्टर 100 ईयर्स ऐसे हुआ है कि जो कम्युनिकेशन था वो कम्युनिकेशन लोगों के साथ ब्रेक हो गए। ओके फाइन, कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिक दिक्कत किस बात का है? बहुत सारे लोग जो है उन्होंने अपनी जॉब से उनको हाथ धोना पड़ा। बराबर। जो लोग डेली वेजेस पर काम करते थे हाँ उनकी सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गए। आउट ऑफ स्टेट से जो लोग आकर इधर काम करते थे, चाहे चाहे वो वर्कर्स हो या फिर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते थे हाँ या फिर कोई स्टूडेंट्स थे ग्रुप जो बाहर के स्टेट से आके इधर पढ़ाई करते थे, वो पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया। इस सिस्टम कोलैप्स होने के वजह से क्या हुआ है कि जो हम डे टू डे एक्टिविटी कि जो चीजें हम करते थे वो पूरी तरह से बंद हो गई और लोगों को ये सब काम छोड़कर घर में बैठने की जो आदत है वो तो नहीं है। और आदत के बाद सेकेंडरी हम व्हेन वी थिंक अ सोर्स ऑफ इनकम, व्हेन द सोर्स ऑफ इनकम इट इज बीन स्टॉप, अगर सोर्स ऑफ इनकम ही अगर बंद हो जाए तो कॉमन पीपल खाएगा क्या? इस सोच में कुछ लोगों ने क्या किया कि रूल्स छोड़ के जॉब सर्चिंग के लिए बाहर निकल आए। बराबर है। और जब वो बाहर निकल आए सो फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी क्या थी? मनी। सो दे वर नॉट एबल टू गेट अ प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम एंड ड्यूरिंग दिस ऑल दैट पार्ट द COVID-19 जो बोलते हैं वो स्प्रेड हो रहा है। सो दैट इज द इश्यू, दैट इज हाउ वी इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड COVID-19। सो साइकोलॉजी के बारे में आप जो बोल रहे थे, अगर पेट अपना भरा हुआ हो तो दिमाग चलेगा, अगर बराबर। पेट ही भरा हुआ नहीं तो द पीपल विल हंट फॉर द जॉब एंड यस दिस मे क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम। एंड अभी तो आप देख रहे हैं कि जैसे डे बाय डे 25,000 26,000 लोग इंडिया में जो एड ऑन हो रहा है कोविड के वजह से, आगे जाके ये मुसीबत और बढ़ सकती है।
एंड आई डोंट थिंक दैट लॉकडाउन इज द प्रॉपर सॉल्यूशन. प्रॉपर काउंसलिंग, सेकेंडरली प्रॉपर जजमेंटल स्टेप्स अगर गवर्नमेंट लेंगे, एंड पीपल इफ दे थिंक रियली अबाउट द सीरियस, जो हम बोलते हैं सीरियसनेस के बारे में अगर सोचेंगे, देन इट मे हेल्प और इट मे हैव सम कंट्रोल ऑन दिस COVID-19. बराबर वही, मतलब जो लॉकडाउन के पहले जो सब स्टेप्स वगैरह ली थी लोगों ने कि ये सब स्प्रेड ना हो, लॉकडाउन के बाद वो लापरवाही से सब कुछ ये नहीं कर रहे, मतलब जो स्टेप्स वगैरह प्रिकॉशन वगैरह लेना चाहिए वो ले नहीं रहे, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक बात बताता हूँ कि एक्चुअली मैं खुद ब्लॉग्स लिखता हूँ मेरे खुद के वेबसाइट में. मैंने बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं, इवन लोगों को कुछ चीजें समझाने की कोशिश की है कि आपको कैसा रहना चाहिए ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड हाउ मच प्रिकॉशियस यू शुड बी आफ्टर द लॉकडाउन. लेकिन क्या होता है कि समटाइम्स आई कॉल दैट देर आर सम पीपल, कुछ लोग ऐसे है जैसे हम बोलते हैं कि एजुकेटेड इलिटरेट. बराबर है, आपको शायद बुरा लगे लेकिन ये फैक्ट है. Yes, बराबर. आप काम कर सकते हैं कि टेक अ स्मॉल वॉक, ओके, दोपहर में या फिर इन द मॉर्निंग इफ यू गो टू द पब्लिक प्लेस, ओके ओके, दैट इज अ कंडीशन दैट सपोज इफ यू आर गोइंग टू परचेस सम कमोडिटीज, आपको कुछ चीजें खरीदने हो, उसके लिए जब आप मार्केट में जाते हैं, 10 में से 5 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो मास्क तो पहनते हैं लेकिन दैट इज ओनली फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस. कुछ मास्क आपको इधर इधर लगे हुए दिखेंगे, ओके, मुंह पर तो पूरे नहीं लगेंगे, इधर लगा हुआ दिखेंगे. समवन आर वेयरिंग लाइक अ नेकलेस, ओके, कुछ मास्क आपको ऐसे लगेंगे कि जैसे ऐसे मुंह पर लाइक हेलमेट डाले होंगे. अगर कोई पुलिस या फिर कोई गवर्नमेंट का बंदा दिखेगा तो दे विल हाइड. सबसे बड़ी हाइट मैं आपको बताता हूँ, एक हेल्थ प्रोफेशन जगह पर मैं जब गया था, आई विल नॉट गोइंग टू टेक द नेम, एक बंदे ने क्या किया, ही वॉज स्नीजिंग, ओके, जब उसे खांसी आ रही थी तो मास्क निकाल के खांस के फिर से मास्क लगा रहा था. मैंने बोला पर अभी वो निकाल के ही बात करते हैं. मैंने उसे बोला रे तूने मास्क निकाल के क्यों स्नीज किया, तो उसने बोला कि मुझे सपोकेट होता है बिकॉज ऑफ दैट. मैंने ऐसे किया, फिर मैंने बोला रे उसका यूज क्या है फिर, अगर तुम मास्क निकाल के स्नीज करोगे तो उसमें ड्रॉपलेट्स होते हैं और वो ड्रॉपलेट्स क्या होता है, इफ इट इज सर्कुलेट then it can spread not only COVID-19 but there are n number of infections. Abhi to hum bolte hai ki rainy season hai and rainy season is the good hub or the progressive nature bolte hai ki because of that we may suffer from some other different airborne diseases jahan hum swine flu bhi bolte hai H1N1. To aise logo ke sath agar hamara encounter hoga to hum kaise bach sakte hai. Isliye main aapko ek baat batata hu, शायद आपको मतलब पता ही होगा लेकिन बोलता हूँ, सपोज इफ यू आर अ गुड ड्राइवर, अगर आप गुड ड्राइवर है सो इट विल नॉट गिव एन गारंटी कि दैट यू विल बी प्रोटेक्टेड व्हाइल ड्राइविंग. क्योंकि अगर सामने वाला बंदा जो आ रहा है अगर वो प्रॉपर ड्राइविंग नहीं करेगा, आप अपना लेन प्रॉपरली ड्राइव कर रहे हैं, अगर वो लेन छोड़ के आएगा तो आप क्या करेंगे? सो दैट इज अ बेसिक प्रॉब्लम, ओके. सो दैट मीन्स कि देर इज अ great need of awareness. There is a great need of awareness because people are not knowing that what exactly happens when they get suffer from COVID-19. Agar COVID-19 ki wajah se agar unko infection ho jayega, uske consequences unko pata nahi, unko kya lagta hai that they will get admitted to hospital, 14 din udhar rukna padta hai, uske baad unko discharge milega, discharge milne ke baad ghar ko jayenge. It is not like that. Kyunki problem kya hai, agar aap dekhenge, agar aapko infection hoga, आपको इन्फेक्शन होगा, इट डजंट मीन कि आपको ही होगा, आप तो डूबेगी, आपकी फैमिली को लेके डूबेगी आप, बिकॉज आपके घर में कोई एजेड होगा, शायद कोई बच्चे होंगे. सो दीज एजेड पीपल एंड स्मॉल इन्फेंट्स, बेबीज, दीज आर हाईली प्रोन टू दिस इन्फेक्शियस डिजीज. इफ यू गो बैक टू द हिस्ट्री, दैट इज इन 1930 द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वॉज बीन इन्वेस्टिगेटेड, फर्स्ट केस मिला 1930 को. सो दैट वॉज कोरोना का मीनिंग आप पहले समझे, कोरोना इट इज एन वायरल इन्फेक्शन विच अफेक्ट्स यूर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एंड फ्रॉम दैट सब क्लास वट एवर द न्यू स्ट्रेन वॉज डिस्कवर्ड, जो पहला नया स्ट्रेन जो चाइना में मिला वुहान में, उसको हमने COVID-19 नाम दिया. इफ यू कंपेयर दैट COVID-19 विथ रेस्ट अदर कोरोना, जो
बहुत सारी कोरोना की सब स्ट्रेन से, सो दैट इज मोर लिथल, इट इज वेरी रिस्की एंड इट इज वेरी डेंजरस। एंड वायरुलेंस जो बोलते हैं कंसेप्ट में आपको बताता हूँ, सपोज इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एचआईवी, सपोज इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस, सपोज इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, ऑल डिजीज आर डेंजरस, बट कोविड-19 क्यों ज्यादा डेंजर है? बिकॉज उसका वायरुलेंस, वायरुलेंस मतलब क्या, कम टाइम में मल्टीप्लीकेशन रेट ज्यादा है और कम टाइम में आपको इन्फेक्ट करके इट में ऑल्सो कॉज मोर्टिलिटी, आपका डेथ भी हो सकता है, दैट्स वाई इट इज वेरी डेंजरस। ओके, जैसे आपने कहा कि खांसते वक्त उसने ऐसे मास्क निकाला, क्या ये कोरोना वायरस हवाओं में भी फैल सकता है क्या? अभी रिसर्च में भी ये समझ में आया है कि 1-6 मीटर से भी ज्यादा वो फैल रहा है। अभी आपको एक बात बताता हूँ, डेली दिसंबर से अब तक का जो अगस्त, मतलब अभी जुलाई जो चल रहा है, बहुत सारे अपडेट्स आए फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम सीडीसी, दैट इज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। वो क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग एन नंबर ऑफ रिसर्च एंड दे आर कमिंग विद आउटपुट। आउटपुट क्या निकाल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला इसे फोमाइट इन्फेक्शन। फोमाइट इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि सपोज आप अगर एक बंदा उधर आके बैठ के स्नीच करता है, कफ करता है, तो उसके ड्रॉपलेट्स उधर गिरते हैं। सपोज इफ इट इज अ प्लास्टिक मटेरियल, सो इट विल स्टे देयर फॉर द पीरियड ऑफ 3 डेज, 3 दिन तक वो उधर ही रहेगा। अगर मेटल बॉडी हो तो शायद 1-2 दिन रहेगा। सपोज इफ इट इज अ प्रॉपर, अगर हो तो 4 घंटे तक उधर लाइव रहता है। सो ये सोचकर हम क्या कर रहे थे, प्रिकॉशंस ले रहे थे। लेकिन थर्सडे को जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर ही कर दिया, इट इज नॉट ओनली द फोमाइट इन्फेक्शन बट इट इज अ एयरबोन। अगर एयरबोन बोलेंगे तो इसका सीरियसनेस और बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि हम क्या सोच रहे थे कि अगर हम स्नीज करेंगे तो ड्यू टू द हेवी नेचर, ओके, उसका जो पार्टिकल साइज है वायरस का, ड्यू टू दैट इट मे गेट सेटल ऑन द फ्लोर, ऐसे हम सोचते थे। लेकिन अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर क्लेम कर रहा है कि इट इज एयरबोन, तो ये सेटल नहीं होगा, इट विल रिमेन इन दैट एनवायरमेंट फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 8 आवर्स। अगर ऐसा, अगर 8 घंटे तक सपोज वो अगर उधर रहेगा, एंड सपोज अगर एक पेशेंट उधर से गुजरा है, एंड विद इन दैट टाइम अगर बैड लक से आप उसी एरिया में अगर जा रहे हो एंड यू आर नॉट वेयरिंग योर मास्क, देन द प्रोबेबिलिटी इज दैट यू मे गेट इन्फेक्शन। हाँ, सो बहुत व्हाट इज सारी द देखने सोल्यूशन? को मिलता है कि उधर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है, और कोरोना की वजह से अभी एसीज भी नहीं लगाए होते हैं और उधर खिड़कियां भी नहीं होती है। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे एटीएम्स में मैंने मतलब ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग आके वहां पे रुकते हैं और कोई सी कुछ भी कर रहा होता है, छींक रहा होता है, इधर उधर हाथ लगा रहा होता है, वही हाथ वो पिन कोड डालने में लगाता है। तो उधर भी थोड़े चेंजेस लाने चाहिए। मैं तो एक सिंपल बात बताता हूँ कि अगर आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, गाइडलाइंस आते रहेंगे, गाइडलाइंस जाते रहेंगे, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, यूज द मास्क। ओके, सपोज आप मार्केट में जा रहे हैं, यू कैन यूज सर्जिकल मास्क, यू कैन यूज N95 मास्क। सपोज इफ यू आर अ मेडिकल प्रोफेशनल पर्सन, यू हैव टू डील विथ एन नंबर ऑफ पेशेंट्स, आप N95 यूज कर सकते हो। साइमल्टेनियसली मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि इंडिया इज अ रिच कल्चर वेयर डिफरेंट ट्रेडिशनल सिस्टम्स आर यूज्ड। जैसे सम पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी, सो दे आर यूजिंग द आर्सेनिक अल्बम 30, बराबर है। एंड लकीली वी हैव गॉट द रिजल्ट्स आल्सो कि दैट एक्ट एज अ प्रोफिलेक्टिक एजेंट, आप वो ले सकते हैं। आयुर्वेदिक सिस्टम में बोलते हैं कि यू कैन टेक द जिंजर, लेमन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टी विटामिन्स, उसके वजह से आप क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्ट एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स। ओके, वी कांट गिव गारंटी कि होगा, लेकिन इट विल बूस्ट आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करेगा, जिसके वजह से आप जो नॉर्मल इन्फेक्शन है उसको आप टैकल कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप कुछ खांसी या जुकाम या एलर्जी की कंडीशन से अगर आप बीमार पड़ते हो तो यू आर मोर प्रोन टू द इन्फेक्शन। तो ओके, मतलब इसका, इम्यून इससे बच सकते हैं। हाँ, इससे बच सकते हैं, गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन कुछ ना करे इससे बेहतर कि कुछ करके हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बराबर है। सो दैट मींस यूज द मास्क, सेकेंड वन यूज द सैनिटाइजर्स। ओके, और मैं एक सिंपल बात बताता हूँ जो मैं खुद मेरे लाइफ में मैं फॉलो करता हूँ। कोई बंदा अगर दूर से भी मुझे दिखे कि खांस रहा है, छींक रहा है, मैं अपना रास्ता ही छोड़ देता हूँ, आई चेंज माई लेन। ओके, मेंटेलिटी वैसे।
ये सब की जिसको ऊपर कोरोना। नहीं, मेंटेलिटी तो है, बिकॉज आजकल हम बता नहीं सकते. यू हैव सीन करंटली न्यूज में कि कुछ सेलिब्रिटीज है, ओके, दे आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम, दे आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम कोरोना एज कम्पेयर टू कॉमन पीपल. सो दीज पीपल आर मोर प्रिकॉशियस, दे आर हैविंग गुड फैसिलिटीज. ऐसे लोगों को अगर हो रहा है तो यू कैन थिंक कि हम कहाँ है. बराबर है, बराबर है। ओके, मतलब इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी जा चुकी है और उनके व्यापार भी ठप पड़ चुके हैं, तो उनको मानसिक तनाव ऐसे हो रहा है कि आप करें तो करें क्या। मैं तो इसके लिए आपको एक सलूशन बताता हूँ. आपने जो अभी बोला, हम क्या अभी क्या सोच रहे हैं कि अभी मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास खूब कम सेविंग्स है, मैं अपने फैमिली का गुजारा कैसे करूँ. कुछ तो सोच रहे हैं कि मेरा एक सो कॉल्ड इनकम होता हुआ करता था. फॉर एग्जांपल, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं मेडिकल प्रोफेशंस के, तो उन्होंने बोला कि मेरा कुछ तो 1 लाख 2 लाख पेमेंट हुआ करता था. अभी सैलरी रिड्यूस होके 20-25 हज़ार रुपये मिलता है. सो हाउ आई कैन सस्टेन. तो मैं एक बात बताता हूँ, रतन टाटा ने भी खुद एक बात बताई है. ये जो साल है, दैट इज जस्ट ईयर 2020, इट इज लाइक क्रिकेट 2020. जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अपने लिए अच्छा है. क्यों? अगर आपको 2021 आगे का ईयर देखना है, तो जो कुछ आप सेविंग्स हो या जो कुछ आप छोटे मोटा कमाई करते हैं, उस पर आप गुजारा कर लीजिएगा. अगर आप इस साल बच जाएंगे तो अगला साल देखेंगे, और अगला साल आप अच्छी डबल कमाई करके आप अपनी उन्नति कर सकते हैं. क्योंकि एक एक, एक बात है, सिर सलामत तो पगड़ी हजार. आप बराबर, अगर अगर आप बचेंगे तो आगे जाके आप अच्छी दुनिया देख सकते हैं. सो दैट इज द थिंग. मैं भी खुद को खूब बहुत सारा रिस्ट्रिक्ट किया है, बिकॉज आई ऑल्सो वर्क एज एन इंटरनेशनल एजुकेटर. सो मोस्ट प्रोमिनेंटली आई हैव टू विजिट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल कॉलेजेस. मैंने पूरा बंद कर दिया. मैं उनको डायरेक्ट बोलता हूँ कि हम मिलेंगे तो जूम पर मिलेंगे, ऑनलाइन बात करेंगे. सो इट्स बेटर कि कंट्रोल यूअर ऑल दैट पार्ट. हाँ, थोड़ा डिप्रेशन होगा, खुद को बुरा लगेगा, लेकिन एक बात बताता हूँ, व्हेन यू थिंक ऑफ योर फैमिली, फैमिली के हर सदस्य के बारे में आप जब सोचेंगे, ओके, एक सेकंड के लिए उनका चेहरा आप अपने सामने लाइए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा. एंड वॉट इज द सोल्यूशन? कि मुझे इनके लिए जीना है. अगर बराबर, इनके लिए मुझे जीना है, देन आई हैव टू रिस्ट्रिक्ट. एंड वंस आई हैव टू रिस्ट्रिक्ट, देन वॉट इज द सोल्यूशन? दैट आई हैव टू कंट्रोल माई ऑल द इमोशंस. एंड वंस आई विल कंट्रोल ऑल द इमोशन, देन आई विल प्रोटेक्ट नॉट ओनली माई सेल्फ, बट आई विल प्रोटेक्ट माई फैमिली. मैं अपने फैमिली को भी प्रोटेक्ट करूंगा. इसलिए मैं बोलता हूँ, छोटा मोटा जो कोई आपको जॉब मिले वो कीजिएगा, बड़े के बारे में सोचना बंद कीजिए. और अगर आपको लगता है कि बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है, यू टॉक विथ योर फैमिली, दे आर विथ यू, बिकॉज आपके बराबर। फैमिली को भी आपकी परवाह है. क्योंकि एक सदस्य जब अगर गुजरता है कोविड की वजह से, तो वो अकेला नहीं गुजरता, इट अफेक्ट्स योर फैमिली, वो फैमिली की ट्रेजेडी बन जाती है. सो दैट इज द थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ. दैट इज हाउ वी हैव टू मेंटेन अवर साइकोलॉजी. ये क्वेश्चन डाइट के बारे में है। इस लॉकडाउन में के दौरान लोगों का वजन बहुत बढ़ गया है, और इस बढ़े हुए वजन के कारण वो इम्यूनिटी पे अफेक्ट कर सकता है कि। मैं एक बात बताता हूँ, मोस्ट प्रोमिनेंटली क्या हो रहा है कि ड्यू टू लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से अभी तो खुल गया है, लॉकडाउन तो खत्म हो गया है, पीपल आर विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस, वो जा रहे हैं बाहर, इट्स ओके. लॉकडाउन हो या ना हो, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, फॉलो द सिंपल स्टेप्स. कुछ नहीं आपको करना है, सुबह उठकर आप थोड़ा प्राणायाम कीजिएगा. मैं हेवी वर्कआउट आपको कुछ नहीं बोलूंगा, प्राणायाम कीजिएगा, ओके. यू कैन डू सिंपल जॉगिंग, ओके. और आप जो कुछ डाइट खाते खाते हो, ओके, मे बी आप रेगुलर जो डाइट खाते हो, फॉलो दैट डाइट बट ऑन टाइम, ओके. सपोज अगर आप 8 बजे कुछ ब्रेकफास्ट लेते हो, देन हैव योर लंच विद इन अराउंड 12:30 to 1, एंड फाइनली हैव योर डिनर. सो ये अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, सो देर विल नॉट बी अ प्रॉब्लम और इश्यू रिलेटेड टू वेट गेन. वेट गेन क्यों होता है, आपको एक बात एग्जाम्पल बताता हूँ. लॉकडाउन है,
ठीक है, लॉकडाउन की वजह से लोग क्या करे, फुल टाइम घर में होते, कभी भी पकाते हैं, कभी भी खाते हैं, ओके, और कभी भी खाते, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, 11 बजे खाते हैं, कोई 4 बजे खाता है, कोई 12 बजे उठ के रात को खाता है. सो बिकॉज ऑफ दैट अनहाइजेनिक प्रैक्टिस देर इज अ वेट गेन. सो देर इज नो एनी डायरेक्ट कोरिलेशन. ओके, आपकी मेंटेलिटी, आपकी साइकोलॉजी जैसे होते हैं वैसे आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है. बराबर आप अगर स्ट्रिक्टली कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे, मैं आपको नहीं बोलता कि आप शिल्पा शेट्टी की तरह से जो एक्टिविटी करती है, दैट इज ऑल दैट योगा एंड सो डिफिकल्ट पार्ट, उतना मत कीजिए, जस्ट डू सिंपल स्टेप्स. वो दैट स्टेप ऑल्सो विल हेल्प यू टू मेंटेन योर वेट, एंड साइमल्टेनियसली आप जो कुछ खाने वाले, ईट हेल्दी. ओके, हेल्दी मतलब क्या खाएंगे, जो इंडियन ट्रेडिशनल फूड है, ओके, राइस हो, चपाती हो, वेजिटेबल्स हो, क्योंकि आप वेजिटेबल्स अभी जाके खा भी नहीं सकते बिकॉज ऑफ द कोरोना एंड ऑल दैट पार्ट. यू बराबर कैन कंट्रोल, यू कैन हैव द डाइट रिलेटेड टू योर ग्रेन्स, सीरियल्स, ओके, दाल हो, ओके, सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पार्ट. अगर आप वो खाएंगे सो दैट ऑल्सो विल मेंटेन योर हेल्थ. ओके, एंड ऑल्सो हैव सम फ्रूट्स, ओके, देन यू कैन हैव लेमन. ओके, लेमन डाइट में लीजिएगा बिकॉज इट हैज हेल्प टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी. ओके, विटामिन सी, एक बात बताता हूँ, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जब भी होते हैं, विटामिन सी, फॉलिक एसिड्स, दे हैव प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल, ओके, टू कंट्रोल दिस डिजीजेस. बिकॉज जो कुछ एलर्जिक रिएक्शंस ट्रिगर होते हैं या फिर कुछ रिलेटेड टू इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, सो दिस विटामिन हैव प्लेड अ वाइटल रोल टू बूस्ट योर इम्यून सिस्टम. सो हैव दिस डाइट. अगर आपको और कुछ डाइट इंडिविजुअल कैसा है, कि दिस इज द इन जनरल मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ द पर्सन, फैमिली हिस्ट्री, डिजीज हिस्ट्री एंड ऑल दैट पार्ट, में पेशेंट का देख के आई गिव देम द डाइट प्लान. सो दिस इज द इन जनरल डाइट. और एक बात एंड करूंगा इस क्वेश्चन का, आप देखेंगे कि पिछले बार स्पेन, इटली में बहुत सारे लोग मर रहे थे, अराउंड 10 to 20,000 डेली. आपको पता है व्हाट वाज द रीजन? द रीजन इज दैट दीज पीपल दे हैव द डाइट, ओके, विच इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, वो ब्रेड खाते हैं, बटर खाते हैं, दे हैव सम अल्कोहलिक प्रैक्टिस एंड ऑल दैट पार्ट. उसके वजह से क्या होता है, दे कंज्यूम मोस्टली फास्ट फूड. फास्ट फूड के वजह से आपका पेट तो भरता है लेकिन बॉडी के जो नीड्स होते हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते. बराबर और बॉडी के नीड्स अगर सेटिस्फाई नहीं हो गए, देन यू आर मोर एलिजिबल टू सफर विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन. साइमल्टेनियसली सेम रूल टू इंडियन पीपल ऑल्सो. अगर आप चाइनीज खाएंगे, आप जो फास्ट फूड होते हैं, आपका जो वड़ा पाव हो या फिर जो कुछ आप खाते, दैट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ. सो बी अवे फ्रॉम दैट फास्ट फूड एंड दैट कल्चर. ओके, देन इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज. हैव द डाइट इन टाइम एंड हैव अ हेल्दी फूड, इट विल नॉट विल रिजल्ट इन टू द वेट गेन एंड ऑल्सो इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द इन्फेक्शन. ओके, इसमें से सवाल आता है कि नॉनवेज खाए या नहीं. बहुत सारे सोचने लगे कि ये एनिमल सी या जूनेटिक है, सो नॉनवेज हम खाए या नहीं. आपको एक सिंपल बात बताता हूँ. मैंने लास्ट टाइम एक आर्टिकल भी लिखा था, रिसर्च आर्टिकल, कि वेदर इट इज सेफ टू ईट मीट एंड ऑल्सो वेदर इट इज सेफ टू ईट वेजिटेबल्स. क्योंकि सपोज अगर तरकारी वाला अगर कुछ सब्जियां बेच रहा है, एंड सपोज फॉर अ इंस्टेंट ही इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, क्या गारंटी है कि वो उस पर इन्फेक्शन के जो वायरल लोड बोलते हैं उसमें नहीं होगा? सिंपल एक बात बताता हूँ, जो कुछ वायरस है, ओके, अगर वो बॉडी में एंटर करेगा देन इट विल शो सम टाइप ऑफ इन्फेक्शन. जो कुछ आप वेजिटेबल्स लेते हैं, जो कुछ आप मीट परचेस करते हैं, वो लीजिएगा, प्रोसेस इट, कुक इट, बॉइल इट, ओके, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एट हायर टेम्परेचर, मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस, बराबर वायरस जो है उसका जो आउटर प्रोटीन कोट जो हम बोलते हैं वो मेल्ट हो जाता है. मेल्ट होने की वजह से जो कुछ उसके अंदर जो आरएनए है, इट गेट एक्सपोज एंड इट विल रिजल्ट द डेथ ऑफ दैट वायरस. तो मेरा सिंपल एक टेक्निक में बोलता हूं कि बिफोर कुकिंग आप क्या कीजिए, जो कुछ फूड स्टफ से कुक कीजिएगा, कुक करने के बाद वॉश योर हैंड्स, ओके, एंड आफ्टर वॉशिंग द हैंड, वंस इट इज प्रोसेस्ड, वंस इट इज कुक्ड, वंस इट इज बॉइल्ड, इट इज सेफ टू कंज्यूम. आप खा सकते हो, देयर इज नो एनी चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन. वो भले कोरोना हो या स्वाइन फ्लू हो या फिर कोई भी हो, वो नहीं बचेगा, वो मर जाएगा. सो दैट इज द फंडा. कुछ भी परचेस करते हैं, प्रोसेस इट, आफ्टर प्रोसेसिंग इट इज अ स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू द वुमेन्स, ओके, जो कुक करते हैं,
सब्जी लाए, कुछ भी लाए, प्रोसेस कीजिए, वॉश योर हैंड्स, वंस यू वॉश योर हैंड्स देन यू कैन प्रोसेस योर डिफरेंट एक्टिविटीज, क्योंकि आप पूरा सीनेरियो चेंज हो गए. यू हैव टू चेंज योर लाइफ स्टाइल. इफ यू चेंज द लाइफ स्टाइल यू कैन गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इन्फेक्शन. आईसीएमआर ने ये घोषणा की है कि 15 अगस्त तक वैक्सीन आ जाएगा, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं एक आपको सिंपल एक बात बताता हूँ एज अ रिसर्च साइंटिस्ट. जो मुझे लगता है, इट इज माई पर्सनल ओपिनियन, ओके आई एम नॉट गोइंग टू एनहांस देयर रोल बिकॉज मुझे पता नहीं कि उनके इधर क्या चल रहा है. आपको एक सिंपल रूल बताता हूँ दैट हाउ अ सिंपल वैक्सीन और ड्रग कम्स इनटू द मार्केट. जब भी सपोज मैं अगर वैक्सीन या ड्रग के बारे में सोचता हूँ तो क्या होता है कि एक डिस्कवरी में करूंगा कि देर इज वन डिस्कवरी ऑफ न्यू मेडिसिन. वो मेडिसिन में क्या करूंगा, आई विल चेक इट्स प्रोटोकॉल. उसे प्री क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं. प्री क्लिनिकल ट्रायल में क्या करते हैं, वी विल चेक वेदर इट इज सुटेबल एज अ टैबलेट, वेदर इट इज सुटेबल एज अ लिक्विड डोसेज फॉर्म, वेदर इट इज सुटेबल एज एन एरोसोल फॉर्मुलेशन. उसमें हम स्टडी करने के बाद हमें पता चलता है कि इट इज कंपेटेबल टू फॉर्मुलेट एज एन लिक्विड. तो हम उसके क्या करते हैं, लिक्विड में फॉर्मुलेट करते हैं. वंस दिस सक्सेसफुल ट्रायल इज कंडक्टेड देन वी गो टू द एनिमल स्टडी. एनिमल स्टडी में हम क्या करते हैं, देखते हैं, मॉडल सिलेक्ट करते हैं. सपोज इफ इट इज रिलेटेड टू सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हाइपरटेंशन या फिर कोई हो, तो वी गो फॉर द सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स सच एज रैट. ओके, यू कैन ऑल्सो हैव सम ट्रायल ऑन मंकीज. उनके में अगर हमें सक्सेस मिलता है, इट टेक सम टाइम अराउंड 6 to 7 months. ओके, मिनिमम अगर हम फास्ट ट्रैक में करेंगे. उसके बाद अभी आप देखते हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि वी हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड अ ट्रायल, वी हैव गॉट द रिजल्ट. तो वो क्लेम क्या करते हैं, आवर फॉर्मुलेशन इज रेडी. जो अभी न्यूज बोल रहे हैं, हिंदुस्तान कुछ बहुत सारी कंपनीज थे, उन्होंने क्लेम किए कि हमने वो सब ट्रायल कंप्लीट किए. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है, दैट इज अ क्लिनिकल ट्रायल. क्लिनिकल ट्रायल के 4 फेज होते हैं. फर्स्ट ट्रायल में हम क्या करते हैं कि वो जो डोज हमने प्रिपेयर किया है, वी टेस्ट इट ऑन सम हंड्रेड्स ऑफ नॉर्मल पीपल. ओके, देन वी इंक्रीज द नंबर सेकेंड स्टेज में. थर्ड स्टेज में हम क्या करते हैं, जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स होते हैं उनको हम डोज देके, हम मतलब हम टॉकिंग अबाउट जनरल ड्रग, तो उसको हम टेस्ट करके देखते हैं कि वेदर इट इज शोइंग सम फ्रूटफुल रिजल्ट्स. अगर ये 3 ट्रायल अगर पास होते हैं, देन दैट ड्रग और दैट वॉट एवर द वैक्सीन इज देयर, इट इज एलिजिबल टू कम टू द मार्केट. वो मार्केट में आएगा. मार्केट में आने के बाद भी उधर एक वार्निंग लिखा होता है. क्या वार्निंग लिखा होता है कि जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हो या फिर जो प्रेग्नेंट लेडी हो, तो दीज आर स्ट्रिक्टली अंडर ऑब्जर्वेशन. उनको हम डोज देंगे, उसे फेस फोर बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस. उसको दैट इज अ फेस फोर. तो उसमें हम क्या करते हैं, उसे डोज देते हैं. सपोज अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, दे कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू एडीआर, दैट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन सेंटर. उधर हम जाके रिपोर्ट करते हैं कि बाबा इस बंदे को इस डोज के वजह से कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है. फिर नेक्स्ट टाइम जब वो प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, सो जो मैन्युफैक्चरर है, ही कैन ऐड द लीफलेट कि दिस ड्रग इज नॉट सुटेबल टू दिस पीपल. मे बी वो हाइपरटेंशन का हो, वो प्रेग्नेंट लेडी हो, वी कांट अश्योर. हमें नहीं पता कि किसको क्या हो जाएगा. सो एट मोस्ट इट टेक्स 1.5 to 2 years अगर फास्ट ट्रैक में करेंगे. तो ये सोचकर आप यू कैन थिंक कि अभी वो मार्केट में आएगा या नहीं. सो ऑन दैट बेसिस आप खुद ही बताइए कि कोविड का जो वैक्सीन है अब मार्केट में आएगा क्या इतनी जल्दी. इट प्रोबेबली, मेरा तो सिंपल एक लॉजिक है, इट मे टेक 2021. सो दिस इज द हिस्ट्री दैट हाउ द ड्रग कम इन टू द मार्केट. So based upon that, you can predict that whether we are going to get the vaccine or not. क्या हमें बारिश में फेस मास्क पहनना चाहिए क्या? अभी आपको एक बात बताता हूँ. मास्क हम जो पहनते हैं, हम बीमार पड़ने के लिए पहनते हैं या प्रोटेक्ट करने के लिए पहनते हैं? प्रोटेक्ट करने. अगर हम बारिश में मास्क पहनेंगे, सपोज हमने छाता वगैरह नहीं लिया होगा, तो क्या हो जाएगा कि दैट वॉटर ड्रॉपलेट विल एंटर इन टू द मास्क. ओके, साइमल्टेनियसली पता नहीं आप कहाँ खड़े हो गए और क्या कौन से इसमें वेसिनिटी में हो गया. अगर उधर इन्फेक्टेड बंदा अगर हो, सो विद दैट वाटर दैट वायरस में एंटर. क्योंकि मास्क तो हमें इधर से प्रोटेक्ट करता है, पानी अगर ऊपर से आ रहा है या नीचे से, डोंट नो. सो सिंपल एक बात बताता हूँ, मास्क तो पहनना ही चाहिए, देयर इज नो एनी ऑप्शन. बट व्हाइल इफ यू आर गोइंग इनटू द रेन, ओके रेनी कंडीशन, यू कैन रैप कंप्लीटली. ओके, आप पूरा तरह से पैक करके देन यू कैन गो आउटसाइड
एंड एट दैट कंडीशन यू कैन गेट प्रोटेक्टेड. अगर आप भीगते हुए अगर मास्क पहनेंगे यू आर इनवाइटिंग द इन्फेक्शन, मैं तो इतना ही बोलूंगा. सो इट ओके डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन दैट कि आप कैसे टैकल कर रहे हो, इट डिपेंड्स. अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग रास्ते पे थूकते हैं, गाड़ी पे से चलाते हुए थूकते हैं, न तो चलते हुए थूकते हैं। क्या ये थूकने से महामारी फैल सकती है क्या? अभी जो मैंने बोला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एयरबोन डिजीज डिक्लेयर किया है. अगर इसे एयरबोन डिजीज अगर डिक्लेयर किया है, अगर आप थूकेंगे सो दैट ड्रॉपलेट विल रिमेन इन टू द सराउंडिंग. ओके, जैसे ही एयर करंट आएगा, ओके, बेस्ड अपॉन दैट एयर करंट इट विल ट्रेवल. ओके, अगर वो ट्रेवल करते वक्त अगर आप उसके कॉन्टेक्ट में आएंगे सो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि यू मे सफर. सो इट्स बेटर दैट नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट एज अ इंडिविजुअल यू ऑल्सो हैव टू टेक सम प्रिवेंटिव मेजर्स. आपको खुद को बताना पड़ेगा, उन लोगों को आपको समझाना पड़ेगा कि ये आप जो कर रहे हैं इट इज नॉट गुड. ही मे क्लेम और शी मे क्लेम कि मैं आई एम हेल्दी इंडिविजुअल. उनको आपको बताना पड़ेगा कि देर आर सर्टन पीपल जिसे हम असिम्टोमेटिक पेशेंट्स बोलते हैं, दे कैन एक्ट एज ए कैरियर. वो तो इन्फेक्टेड नहीं होते बिकॉज ऑफ द गुड इम्यूनिटी, लेकिन दे कैन स्प्रेड द इन्फेक्शन. सो वी कैन से दैट स्पिटिंग, कफिंग, ओके, स्नीजिंग, सो ऑल दीज हैव द चांसेस टू स्प्रेड द इन्फेक्शन. नॉट ओनली द कोरोना बट ऑल्सो सम कम्युनिकेबल डिजीज ऑल्सो, दैट इज एयरबोन डिजीज हम बोलते हैं. क्योंकि अभी अगर आप सपोज अगर अभी सिचुएशन इतना वर्स्ट है, इफ यू विजिट अ क्लिनिक, ओके, इफ यू विजिट अ क्लिनिक, एक एग्जाम्पल बताता हूँ. मतलब हमारे कॉन्टेक्ट में एक पेशेंट थे, तो शी वॉज प्रेगनेंट, शी जस्ट विजिटेड द हॉस्पिटल फॉर रूटीन चेकअप. उनको थोड़ा फीवर था और थोड़ी गले में खराश थी, मे बी ड्यू टू द चेंज इन सीजन. द सरप्राइजिंग थिंग वॉज दैट डॉक्टर फर्स्ट प्रेफर्ड देम टू गो एंड चेक फॉर कोविड. फिर बाद में उनको बोला यू कैन गो फॉर डेंगू, यू कैन गो फॉर मलेरिया टेस्ट एंड ऑल दैट. तो अभी सिचुएशन इतना वर्स्ट है कि यू हैव टू टेक द प्रिकॉशंस. तो मुझे तो लगता है कि कम्युनिकेबल डिजीज हो या फिर अभी चेंज इन एनवायरमेंट हो, यू हैव टू टेक वेरी मच प्रिकॉशन एंड यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली. फिर ये दैनिक जो हम चीजें यूज करते हैं हमारे रोज लाइफ लाइफ के दौरान, तो जो हम बाहर से लाते उससे भी हमारे घर में कोरोना आ सकता है क्या? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने अभी जस्ट एक चीज आपको शेयर किया, दैट इज न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, ओके, वन ऑफ द रेप्यूटेड जर्नल जो है, उन्होंने भी क्लेम किया है कि ये जो कोरोना वायरस है, ओके, इट कैन स्टे ऑन द मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक फॉर 3 days, ऑन सम कार्डबोर्ड एंड शीट फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए वो उस पर रहता है. मेटल जैसे कॉपर उस पर 4 घंटे रहता है. उसके तो ऑब्जॉर्प्शन रेट पे से कुछ होता है क्या फिर? सॉरी उसके एब्जॉर्प्शन रेट पे से कुछ होता है क्या कि? नहीं, एक्चुअली कहते बोलिए बोलिए। हैं दिस इज कॉल्ड एज अ फॉर्मेट इन्फेक्शन. फॉर एग्जांपल अगर सपोज इफ यू टेक दिस, ओके, इट इज वन ट्रॉफी, एक एग्जांपल आपको बताता हूँ. अगर इसमें अगर कोई अगर छींकता है या फिर कोई खांसता है, ओके, बाय चांस आप अगर ऐसे हम इसे टच करते, सो इसे टच करने से इन्फेक्शन आपको नहीं होगा. लेकिन एक बात बताता हूँ, अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग द एक मेंटेलिटी होती है कि बात करते हुए या डे टू डे एक्टिविटी करते हुए वो क्या करता है, अपने मुंह को हाथ लगाता है, ओके, कोई नाक को रब करता है या फिर कान में ऐसे हाथ डालता है. सो आपको क्या करते हैं कि ये जो इन्फेक्शन इधर है, इधर से आप क्या करते हैं अपने जो वाइटल ऑर्गन से, ओके, उधर आप क्या करते हैं लाते हैं, आप स्प्रेड करते हैं. इसका बराबर मतलब क्या है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट इन्फेक्शन. अगर बराबर ऐसा आप करेंगे देन देर इज अ चांसेस दैट यू मे सफर फ्रॉम द इन्फेक्शन. इसलिए हम बोलते हैं कि आप कुछ भी चीज लाते हो बाहर से ट्राई टू सैनिटाइज इट, ओके, और आप अगर उसको सैनिटाइज करेंगे, सैनिटाइजेशन के लिए भी आप जो कुछ सैनिटाइजर लाते हैं उस पर आप प्लीज चेक कीजिएगा कि वेदर इट कंटेन्स 70% अल्कोहल. क्योंकि आप बाकी के केमिकल्स डाल के उसे नहीं मार सकते. बिकॉज क्या होता है, 70% के आगे अगर आप अल्कोहल जब लाते हैं सो दिस अल्कोहल इज हैविंग द एबिलिटी टू रपच्चर द आउटर मोस्ट कोट ऑफ द वायरस विच कॉजेस किलिंग. इसलिए ये आपको रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना है. इसलिए मैं बोलता हूँ आप मार्केट में जाइए, कुछ भी खरीदिए, सैनिटाइज इट प्रॉपरली एंड यूज इट. सो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन. ओके। कोरोना होने के बाद ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा हो सकता है? एक्चुअली आप जो बोलते हैं
कि ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा या कोई भी कार्सिनोजेनिक अदर डिजीजेस हो उसका रिलेशन मैं आपको बताता हूँ कि सपोज इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना, यूर इम्यूनिटी गेट कोलैप्स, इफ यूर इम्यूनिटी इज कोलैप्स्ड द चांसेस ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन गेट इंक्रीजेस, बट इट डजेंट हैव सम लिंकेज विथ सम कैंसर. वाइस वर्सा अगर आप थिंक करेंगे कि सपोज अगर कैंसर का बंदा हो देन दैट पर्सन इज मोर प्रोन टू कोरोना एज कम्पेयर टू नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल. सो दैट इज द हाउ इट इज रिलेटेड टू वन अनदर. वी कांट से कि बाबा इसको कोरोना है सो ही हैज द मोर चांसेस दैट ही मे सफर फ्रॉम लंग कैंसर और या फिर कार्सिनोमा से वो सफर होगा. देर इज नो एनी कोरिलेशन. पर ऐसे आपको रिसर्च पेपर मिलेंगे जो रिसेंटली पब्लिश हुए अप्रैल में, यू कैन गूगल इट आउट. उसमें उन्होंने सीरियस तरह से क्लेम किया है कि सपोज इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना, ओके दैट इज अ कोविड-19, देन द प्रोबेबिलिटी इज दैट यू मे सफर फ्रॉम सेकेंडरी इन्फेक्शन. बट ऐसा कोई ऐसे ये नहीं मेंशन किया कि यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर देन यू मे सफर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट. हाँ बट द प्रोबेबिलिटी इंडेक्स इंक्रीजेस, मतलब सपोज इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर देन चांसेस आर देयर यू मे गेट इन्फेक्टेड इजिली, मोर प्रोन टू कोविड-19 एज कम्पेयर टू अदर. सो दैट इज अ कोरिलेशन. सो यू कांट मिक्स द बोथ द पार्ट टूगेदर. ओके, आपके रिसर्च के बारे में थोड़े. ओके, सिंस 2011 आई एम वर्किंग ऑन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जैसे हम प्रोबायोटिक स्ट्रेंस बोलते हैं. आई एम वर्किंग विद डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें एमबीबीएस के स्टूडेंट्स भी है, एमबीबीएस के डॉक्टर्स भी है, एमडी पैथोलॉजिस्ट है. आई एम वर्किंग विद द टीम विद डिफरेंट आईआईटी ग्रुप. हमने क्या किया है, वी हैव डिस्कवर्ड सम स्ट्रेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस प्रोबायोटिक्स, ओके, जिसे हम नॉर्मल कर्ड बोलते हैं, योगर्ट बोलते हैं. सो वी हैव डिस्कवर्ड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम शिप मिल्क. ओके, उसमें से हमने दो स्ट्रेन निकाले, जैसे लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम, ARJD, हमने उसको सबस्ट्रेन का नाम लिखा है, विच इज रजिस्टर्ड बाय अवर टीम नेम. एंड सेकेंड वन इज लैक्टोबैसिलस रैमिनेसिस. तो ये दो स्ट्रेन है वी हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड. जैसे मैंने आपको बोला ड्रग डिस्कवरी का रूल्स क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंडक्ट ट्रायल ऑन एनिमल्स. सो वी हैव कंडक्टेड सक्सेसफुली ऑन एनिमल्स एंड वी हैव गॉट द रिजल्ट्स. हमें रिजल्ट्स भी अच्छे मिले हैं. वी हैव क्योर्ड दैट इज एडिनोमास पॉलिप्स रिलेटेड टू कोलन कैंसर. सो कोलन कैंसर का हमें रिजल्ट्स प्रॉपरली मिला है. नाउ करंटली वी आर गोइंग टू कंडक्ट ट्रायल्स बाय द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. एंड प्रोबेबिलिटी इज दैट एज दिस प्रोबायोटिक, जो प्रोबायोटिक्स हमने डिस्कवर किए, जो लैक्टोबैसिलस मैंने नाम बताए, इट इज कंसिडर्ड एज एन सेफ, दैट इज ग्रास, ग्रेजुअली रिगार्डेड एज सेफ, उसे ग्रास गाइडलाइंस बोलते हैं. एंड वंस वी विल गेट द सर्टिफिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, सो प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर, अभी इस साल तो हम कुछ करने वाले नहीं है, सो प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर दिस प्रोडक्ट मे कम इन टू द मार्केट सेम एज यूर याकूट. जो आप याकूट जो हम कंज्यूम करते हैं, आपको पता होगा कि जो एड वगैरह आते हैं, इट इज गुड फॉर यूर गट एंड फॉर डाइजेशन. सो सेम प्रोडक्ट हम लाएंगे एंड दैट प्रोडक्ट विल एक्ट एज अ प्रोफाइलेक्टिक, इट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम कोलन कैंसर. एंड सेकेंडरीली वी विल नॉट क्लेम कि वेदर इट विल गोइंग टू cure it completely because we have conducted in the animal successfully, हमें results मिले. But the thing is that we will say that this drug, okay, this drug will act as an a prophylactic or a preventive from adenomas, which is the form of cancer seen in the case of colon. And India ranks third in this cancer related to colon, जो हम बोलते हैं, because of some non-hygienic health diet हम जो consume करते हैं, fast foods हो या फिर इरेगुलर स्लीप हो, साइकोलॉजी भी इसमें कंट्रीब्यूटेड है. अगर आप देखते हैं कि इफ यू आर इन स्ट्रेस कंडीशन, योर डाइजेस्टिव सिस्टम गेट कोलैप्स, यू हैव सम लाइक एसिडिटी एंड ऑल्सो योर डाइजेशन की जो प्रोसेस होता है इट ऑल्सो नॉट हैपन्स, यू मे सफर फ्रॉम फ्लैटुलेंस एंड ऑल दैट. सो दिस इज द थिंग दैट वी आर डीलिंग विद. सो दिस इज द वन पार्ट जहां हम काम कर रहे हैं, दैट इज कोलोरेक्टल कैंसर प्रिवेंशन ड्रग फॉर्मुलेशन. सो इसमें हम काम कर रहे हैं. दिस इज द वन ऑफ द रिसर्च. साइमल्टेनियसली वी आर वर्किंग ऑन सम एंटी एजिंग फॉर्मुलेशन. एंड उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो कुछ आप मार्केट में प्रोडक्ट्स देखते हैं, जैसे मैं उनके नाम नहीं लेता बिकॉज उनका कुछ फंडा हो, दैट सम क्रीम्स आर देयर एंड ऑल दैट, जो आपकी एजिंग प्रोसेस को क्या करता है, स्लो करता है. लेकिन प्रोफेशनली यू आर ऑल्सो मेडिकल स्टूडेंट, सो यू नो दैट
कि वॉट एवर द एजिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस, सो इट टेक्स प्लेस फ्रॉम इनसाइड, अंदर से होता है. बट सपोज इफ यू ब्रिंग सम प्रोडक्ट जो आपके अंदर के एजिंग प्रोसेस को अगर कंट्रोल करता हो, सो दैट विल रिफ्लेक्ट आउटसाइड. सो वॉट इट इंडिकेट कि अगर आप वो प्रोडक्ट खाएंगे अंदर से आपके अगर इम्यूनिटी बूस्ट होती है देन आपकी एजिंग प्रोसेस भी स्लो होगी. सो दैट इज अ सेकेंडरी रिसर्च दैट वी हैव कंडक्टेड एंड इट इज इन प्रोसेस. ऐसे बहुत सारी रिसर्च हम कर रहे हैं लेकिन बेसिक फोकस हमारा कैंसर पर है. एंड कैंसर के बाद हम वी आर टारगेटिंग ऑन एंटी एजिंग फॉर्मुलेशन बिकॉज देर इज सम रिलेशन बिटवीन दैट कैंसर एंड एंटी एजिंग. उसके बारे में हम कभी तो फिर से बात करेंगे. ओके, अब मुझे पूछना है कि स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रहा है, जो जो लड़ाई झगड़े होते हैं घर में वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्या उसको और डाइट से कुछ संबंध है क्या? मतलब जैसे हम डाइट ले वैसे हम बन जाते हैं ऐसे बोलते हैं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? एक बात सिंपल बताता हूँ, आजकल की जो हैबिट जो बन गई लोगों की, वो क्या करते हैं कि खाना खाते वक्त मोस्टली दे एंजॉय द टेलीविजन. अगर एक इंसिडेंस हमें आपको शेयर करते हैं जो हम रिसर्च करते हैं उसमें हमें दिखाई दिया है. सपोज अगर उधर कुछ फाइटिंग या फिर कुछ इमोशनल सीन अगर चल रहा हो तो अपना कंजम्पशन रेट फास्ट हो जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक्शन सीन चल रहा है, खा रहा है खा रहा है खा रहा है. ओके, कुछ रोमांटिक सीन चल रहा है तो स्लोली खा रहा है. इनडायरेक्टली व्हाट इज द कंक्लूजन कि आप अगर टेलीविजन देखते हुए अगर अगर कुछ चीजें खाएंगे, सो जो कुछ सलाइवा हमें मुंह में जो आता है, सो दैट सलाइवा इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड. ओके, अगर आप खाएंगे विदाउट चीविंग तो प्रॉपरली उसका जो सलाइवेशन होगा वो तो नहीं होगा. इट विल गो इन टू द स्टमक, स्टमक के जाने के बाद जो प्रोसेसिंग होगा वो प्रॉपरली नहीं होगा, देन इट विल गो इन टू योर गट एंड ऑल दैट. इसका मीनिंग क्या है कि जैसे आप सामने जो आपके एनवायरमेंट सीन चल रहा है उसके हिसाब से क्या होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी रिएक्ट करता है. सिमिलर नहीं, जैसे आपने बोला कि मैं स्ट्रेस कंडीशन में हूँ, कुछ झगड़े चल रहे हैं, तो ड्यू टू द स्ट्रेस कंडीशन हमारे में कुछ हार्मोन्स होते वो क्या होते हैं, रिलीज होते. सो दैट स्ट्रेस हार्मोन क्या करते हैं कि इट ट्राई टू कोप अप अवर बॉडी. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या हो जाता है कि आप जो खा रहे हैं वो बॉडी को नहीं एब्सॉर्ब होता. एज इट इज थ्रोन आउटसाइड, इट इज फ्लश्ड आउटसाइड. And once it is flushed outside, then what will happen? You will suffer from digestive disorders. इसलिए जब भी आप देखते हैं डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं digestive problem disorder लेके, बोलते कि यार there is some stomach upset and all that part. डॉक्टर सबसे पहले आपको सवाल पूछते हैं, go back to 24 to 48 hours और आप बताइए कि आपके साथ क्या हुआ, आपने क्या खाया. बराबर. So digestion, it is having 100% correlation with your psychology. इसलिए मैं बोलता हूँ मन प्रसन्न रख के खाइए, कम खाइए लेकिन अच्छा खाइए. ओके, मुझे इस पे इसके पहले एक क्वेश्चन आया था एक लड़की का कि वो डर जाती है, मतलब ऐसा कोविड का नाम सुने ना तो कोई भी हो उसके हार्ट बीट तेज होने लगता है. अभी क्वेश्चन इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मतलब इसके ऊपर जो रिसर्च हुए हमारे उसके अनुसार कोविड एक्चुअली अगर आप देखेंगे डरने वाली इतनी बड़ी बात नहीं है. मैंने आपको बोला कि इफ यू आर नॉट स्ट्रेस्ड, आप अगर अच्छा खाते हो, इम्यूनिटी के रूल्स रेगुलेशंस, मतलब आप जो कुछ मैंने बोला आपको डिफरेंट टेक्निक से, ओके लेमन हो या कुछ जो कुछ अपने घरगुती जो चीजें है, अगर आप टाइमली प्रॉपरली कंज्यूम करते हो, यू आर यूजिंग अ मास्क, यू आर यूजिंग द सैनिटाइजर, आप प्रॉपरली करते हो, 90% चांसेस आपके जो कोविड रिलेटेड है वो इन्फेक्शन के कम होते. सेकेंडली अगर बाय चांस अगर आप इन्फेक्शन भी आपको हो जाएगा इतने रूल्स फॉलो होने के बाद भी, दो कंडीशन है. फर्स्ट, कुछ लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि उनको इन्फेक्शन हो गया और साइमल्टेनियसली वो खुद ब खुद जो है दे हैव रिलीव्ड इट फ्रॉम द इन्फेक्शन, मतलब वो खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं. सो दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग आउट एन इम्यूनिटी. बट सेकेंड, अगर आपको लग रहा है कि आपको खांसी हो रही है, आपको कुछ इन्फेक्शन के सिम्टम्स दिख रहे हैं, एंड बाय बैड लक अगर आप पॉजिटिव भी हो जाते हैं, कीप योर माइंड कूल, लेट द डॉक्टर डू देयर वर्क, जो कुछ करते हैं करने को दीजिए. मैं तो आपको बोलता हूँ विद इन 5 to 6 days यू गेट कंप्लीटली क्योर्ड, आप क्योर भी हो जाते हैं. क्योंकि मोस्टली जो डेथ रेट आपको दिख रहे हैं अभी जो ऑन स्क्रीन जो आ रहा है कि डेथ रेट थोड़ा बढ़ गया है, मोर्टेलिटी रेट थोड़ा सा इंडिया में मोस्टली महाराष्ट्र में बढ़ गया है, उसका रीजन बताता हूँ. लोगों को क्या लगता है, मुझे कोविड हो गया मतलब मैं खत्म ही हो गया,
एंड ड्यू टू दिस साइकोलॉजी दे गेट स्ट्रेस्ड आउट, एंड ड्यू टू विच जो कुछ एज्ड बंदे हैं, जो लोग हैं, उनको ऑलरेडी कुछ तो बहुत सारे क्रोनिक डिसऑर्डर्स और डिजीजेस होते हैं, वो एलिवेट हो जाते हैं, और एलिवेट होने के वजह से दे आर नॉट डाइंग ऑफ COVID-19 बट दे आर डाइंग ड्यू टू दिस प्रीवियस डिजीजेस. एक सिंपल एग्जाम्पल आपको भी पता है, अगर बंदे को स्नेक बाइट होता है तो 90% केसेस हमें ऐसे दिखे कि दे आर डाइड ड्यू टू द कार्डियक अरेस्ट. क्यों? डर के वजह से. लेकिन आपको अगर ओके सो आपको एक बात तो पता है कि अगर आप सोचेंगे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, इफ यू आर थिंकिंग पॉजिटिवली फ्रॉम इनसाइड, देन 100% चांसेस आर देयर यू विल गेट ऑटोमेटिकली क्योर्ड बाय योर सेल्फ. दैट इज कॉल्ड सेल्फ हीलिंग. इसलिए तो मैं अभी तो आपको दो सिनेरियो बताया. थिंक फर्स्ट सिनेरियो, क्या यू आर यूजिंग द प्रिवेंटिव मेजर्स, आपको इन्फेक्शन होगा ही नहीं. और मैंने सिंपल एक बात तो मैं जो खुद ब खुद डेली रूटीन में जो फॉलो करता हूँ, मैंने आपको बताया, यूज द मास्क, यूज द सैनिटाइजर, कोई खांसता हो छींकता हो देखा, चेंज योर रूट. उसके बारे उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते. दैट इज द थिंग वन हैव टू फॉलो. डरने वाली बात नहीं. आपने इतना सब कुछ अचीव किया है, आप क्या हमें, मतलब यंग यूथ को क्या आप सलाह देना चाहेंगे? मैं आपको सिर्फ इतना ही बताता हूँ कि एक सिंपल प्रोपोगंडा है. ओके, छोटे कर देख, छोटे जो लोग होते हैं उनको देखकर सीखो, और बड़े जो लोग हैं उनको देखकर बढ़ो. इतना ही आप अगर फॉलो करेंगे, स्टे स्टे टू द ग्राउंड, स्टे टू द बॉटम, एंड वर्क फ्रॉम द हार्ट. ओके, मन से काम करो, एंजॉय ईच एंड एवरी बिट, देन यू कैन गेट 100% श्योर सक्सेस. ऐसा नहीं कि आई एम स्ट्रेस्ड आउट, ये चीज मुझे पसंद नहीं. जो चीज पसंद ना हो उसमें आप गिरे या मत. जो चीज आपको पसंद है, यू लाइक टू वर्क, उसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा. स्ट्रगल करते हुए भी आपको एक बात की अंदर से एक पॉजिटिव वेव्स आएगी कि आई एम वर्किंग इन माय फेवरेट फील्ड. सो वन डे यू विल गेट द अचीवमेंट, बिकॉज शॉर्ट टर्म जो कुछ अचीवमेंट्स होते हैं या शॉर्ट टर्म आपको जो मिलता है, इट विल नॉट सस्टेन फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इसलिए जितना आप एफर्ट्स डालोगे उतना ही आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स भविष्य में मिलेगा. सो दैट इज द सिंपल फंडा दैट वन हैव टू फॉलो. ओके, फिर से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपने इसका आंसर दे चुके हो. कोविड में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? मतलब 99% लोगों को ये नहीं पता होता है कि क्या नहीं खाना. मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूँ, जो अभी मैं करंटली अभी जस्ट मार्केट में गया था, मतलब हाइट ऑफ स्टुपिडिटी में बोलता हूँ उनको, एक मर्सिडीज गाड़ी कुछ तो आके खड़ी हो गई थी. वहां से कुछ फैमिली मेंबर्स बाहर निकले, निकले के बाद सामने कुछ तो एक फास्ट फूड की एक व्हीकल थी, उधर जाके उन्होंने मास्क पहना हुआ था, उधर जाके उस बंदे ने कुछ तो फास्ट फूड दिया, मास्क उसके सामने निकाला, फास्ट फूड खाए, फिर से मास्क लगाए, फिर से चले गए. मैंने बोला अरे क्या यूज है इस चीज का. मैं आपको सिर्फ इतना ही बात बोलूंगा, कुक इन द फूड, विजिट लेस टू द पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस में कम जाइए, जब काम हो तभी जाइए. खाते वक्त कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर ऑन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स खाइए, जैसे दाल हो. ओके, अगर लकीली आपको सब्जियां मिलती है तो कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट वेजिटेबल्स, जो सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं उनको ही आप खाइए. यूज द फ्रूट्स, सीजनल अभी अभी जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं, हम सीजनल फ्रूट्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दैट फ्रूट, ओके, इट हैज सम क्वालिटीज विच विल बूस्ट इम्यूनिटी एट करंट सिनेरियो. आप अगर आप आम खाएंगे तो नहीं खा सकते. क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि आम आप खराब क्यों होते? बिकॉज नेचर इटसेल्फ सेज दैट दिस फ्रूट इज नॉट सुटेबल टू यू एट दिस कंडीशन. आप खाएंगे तो यू विल सफर फ्रॉम स्टमक अपसेट. ओके, दैट मीन्स ईट द सीजनल फ्रूट्स, ईट द सीजनल वेजिटेबल्स, कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन प्रोटीन्स, ईट द विटामिन. आपको अगर विटामिन नहीं मिल रहे, यू कैन रेफर टू सम फिजिशियन, यू कैन रेफर टू सम प्राणायाम जरूर कीजिएगा, इट विल बूस्ट योर इम्यूनिटी. इतना ही, और कुछ आपको डरने की जरूरत नहीं. ओके, बीच में एक मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे, मतलब ऐसा मीन्स का कंसेप्शन था मे बी, कि 30 सेकेंड से ज्यादा हमने सांस रोक लिया, मतलब हमें कोविड नहीं, मतलब कोरोना वायरस की इन्फेक्शन हमें नहीं हुआ है. तो आप क्या बोलते? एक बात बताता हूँ, जब भी आपको इन्फेक्शन होता है, ओके, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल आपको सिंपल अगर खांसी हो जाए,
खांसी होने के बाद आप देखिए, आप सांस को रोकने की कोशिश कीजिए, आपको आप रोक सकते हो क्या सांस? नहीं रोक सकते. सिंपल, दैट इज वन प्रिडिक्शन मॉडल. ओके, इट इज नॉट 100% ट्रूथ कि बाबा आप 30 सेकंड के ज्यादा अगर आप सांस नहीं रोक पाते देन यू आर सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन. आपको अगर टेस्ट ही करना हो तो एक काम कीजिएगा, अभी यू आर ए हेल्दी पर्सन, ओके, यू चेक यूर सेल्फ कि आप कितने देर तक अपने सांस को रोक सकते हैं. लेकिन सपोज इफ यू गो फॉर 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 35 सेकेंड, इट इज अ गुड थिंग. लेकिन सपोज इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सम अलर्जिक प्रॉब्लम, सम कफ और सम डिफरेंट डिजीजेस रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी ट्रैक, सीओपीडी हो या एनीथिंग, आपकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होते हैं, ऑक्सीजन होल्डिंग वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, इट गेट रिड्यूस. सो इट मे रिलेट, इट मे को रिलेट कि इट मे से दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन और इसलिए आप होल्ड नहीं कर पा रहे. इसलिए अकॉर्डिंग टू माई कंसिडरेशन आई डोंट थिंक कि इट इज हैविंग सम 100% अश्योरेंस कि यू आर सफरिंग फ्रॉम कोविड दैट 30 सेकेंड आप रोक नहीं पाते. हर एक का एक कैपेसिटी होता है, उसके अनुसार आप चीजें पा सकते. इसलिए मैं बोलता हूँ जब आप प्राणायाम करेंगे, ओके, यू कैन ऑब्जर्व आफ्टर 1 month, ओके, ड्यूरिंग द डेली प्रैक्टिस 5 मिनट कीजिएगा, यू विल सी वन थिंग कि आपकी जो वाइटल कैपेसिटी है, दैट इज जो आप एयर होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं, वो इंक्रीज हो जाता है. अगर ये इंक्रीज हो जाता है तो आपके जो म्यूकस लेयर जो बोलते हैं हम, विच इज सराउंडिंग इन योर ब्रोंकियल रीजन और एट योर लंग रीजन, सो उसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है. अगर उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा देन वॉट एवर द नोड्स आर देयर, जिसे हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं, सो उसमें क्या होता है, हमारे सैनिक होते हैं जिसे हम WBC या फिर डिफरेंट होते, दे गेट बूस्टेड. ओके, उनको हैवी मिल जाता है बिकॉज योर ट्रैक इज क्लियर. अगर उनको हाईवे मिल जाएगा, सो व्हाट विल हैपन, इट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज योर इम्यूनिटी रिलेटेड टू योर रेस्पिरेटरी ट्रैक. सो दैट इज द थिंग. और एक बात अभी जस्ट याद आई इसलिए आपको ऐड कर रहा हूँ, अभी जस्ट आपको सोशल मीडिया पर कुछ न्यूज भी देखने को मिलेगी कि दैट यूज सम स्टीम एंड ऑल दैट पार्ट, या आप यूज कीजिएगा, क्योंकि मुझे खुद उसका रिजल्ट मिले, इसलिए बेस्ड अपॉन माई पर्सनल एक्सपीरियंस में बोलता हूँ, यूज द स्टीम. बिकॉज एज कम्पेयर टू ड्रिंकिंग हॉट वाटर, if you use the steam, so the steam is having the ability to go not only your stomach but also in your jo initial respiratory tract bolte hai, wahan jaake wo kya kar jata hai, it can precipitate and it may kill your infection, any infection. So that is the thing, take the that is steam. Okay, plain water steam leni hai bhai, koi vix chalna. नहीं, नॉर्मल स्टीम आप ले सकते हैं. आपको अगर लग रहा है कि यू वांट मोर फ्रूटफुल रिजल्ट, देन यू कैन यूज द टर्मरिक. टर्मरिक लीजिएगा, गरम जो तवा होता है उसमें डालिए, यू कैन गेट द वेपर्स, यू कैन इनहेल दैट वेपर्स आल्सो, बिकॉज टर्मरिक इज द बेस्ट एज पर अभी तक जो रिसर्च हुआ है, इट इज द बेस्ट एंटीवायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल एजेंट. और उसके वेपर्स आएंगे, सो दे विल एक्यूमुलेट, आपको थोड़ा सा मतलब यू विल गेट सम माइनर कफ, ओके, लेकिन इट विल हेल्प यू to cope up with some infectious disease. Because I'm talking of holistic system, जो हम traditional जो चीजें बताते हैं, जो हमारे forefathers use करते थे, that is also have some impact on the different infection. और कुछ बताना चाहेंगे आप? और चीजें अभी तो फिलहाल मैं इतना ही बोलूंगा कि stay home and stay safe का जमाना तो अभी गया है, क्योंकि you have to go outside, you have to perform some work and all that part. So मैं इतना ही बोलूंगा कि हैव सम प्रिकॉशन मेजर्स. ओके, आपको कुछ चीजें अगर खटक रही हो तो टेक सम एक्शन. आपके फ्रेंड्स आपको शायद चिढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे कमर्शियल प्लेसेस देखे हैं कि वहां क्या करते हैं कि बंदे ऐसे मास्क इधर तक डाल के ऐसे बैठते हैं, और कोई अगर डालता है तो उसे चिढ़ाते यार कि वो मास्क डाले हो. सो डोंट लिसन ऑफ दोज पीपल, वो तो डूबेंगे लेकिन आपको लेके डूबेंगे. उनको क्या करना है करने दीजिएगा, एंड यूज द मास्क, ओके, फॉर योर प्रोटेक्शन, डोंट यूज इट एज एन नेकलेस. कुछ लोगों में देखता हूँ ड्राइव करते वक्त इधर मास्क लगाते घूमते. अरे आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप ड्राइव करते वक्त सपोज अगर कोई स्नीज करके जा रहा है, आप जितने स्पीड से जाएंगे ना उतना स्पीड से इनहेल करके यू आर मोर प्रोन टू दैट डिजीज. सो यूज द मास्क, यूज द सर्जिकल मास्क, यूज N95 मास्क. डोंट यूज द यूज मास्क, जो आप यूज रेगुलरली जो करते हैं वो मास्क फिर से ना यूज कीजिए. और सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट ये जो आप मास्क देख रहे हो, ओके, आप जब डालते हो तो कुछ लोगों की आदत होती है कि मास्क डालने के बाद इसको ऐसे हाथ लगाते हैं सामने से वगैरह, ओके, और सामने से हाथ लगाने के बाद आप क्या करते हैं, आप बाद में इधर बाल को हाथ लगाते हैं, किधर भी लगाते हैं, तो अगर ऐसे आप करेंगे सो व्हाट विल हैपन, इट विल स्प्रेड द फॉर्मेट इन्फेक्शन. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इधर अगर सपोज बैड लक अगर इधर कुछ
इन्फेक्शियस अगर मटेरियल हो तो आप इधर से क्या करेंगे, इधर डालेंगे, सोते वक्त वो उधर ही रहेगा, बाद में आपके मुंह उधर जाएगा, देन यू मे इनहेल, एंड मैंने आपको बताया कितना टाइम तक वो वायरस उधर रहता है. सो दैट इज अ सिंपल टिप. मास्क लगाते वक्त कुछ रूल्स रेगुलेशंस यू कैन गो ऑन द यूट्यूब एंड यू कैन सी, यू हैव टू होल्ड लाइक दिस. ओके, ऐसे आप पकड़ के फिर डाल सकते हो, फिर निकालते वक्त भी इधर से ही निकालना पड़ता है, निकालना होता है. सो दीज आर द सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशंस. आप अपडेट रहिएगा, आपको बहुत सारे सोशल मीडिया में पॉजिटिव चीजें मिलते हैं, उसमें आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. साइमल्टेनियसली यू कैन गो टू माई वेबसाइट, जहां मैं आफ्टर 2 to 3 days अपडेट्स डालता हूँ कोविड के बारे में, जहां मेरा वेबसाइट का जो सिंपल है, दैट इज abhiguru.com, वेयर यू कैन गेट अपडेट्स. वहां कमेंट करिए, आपको कुछ डाउट हो, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प. इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा आपकी वेबसाइट. थैंक यू डॉक्टर, आपने जो आपका अनमोल समय हमें दिया. सोम थैंक यू, आपने जो अपॉर्चुनिटी दी, आई एम वेरी मच हैप्पी. आपने जो इनिशिएटिव लिया है, ओके, इसके वजह से नॉट ओनली मी बट मेनी पीपल्स जो हेल्थ प्रोफेशन के है, दे कैन शेयर द आइडियाज, एंड दिस शेयरिंग ऑफ द आइडिया विल नॉट ओनली कीप अवर इंडिया हेल्दी बट इट विल गिव द इंडिया द आइडिया कि हम कैसे चीजों को टैकल कर सकते. थैंक यू सोम फॉर दिस. इसे शेयर होना एचटीवी कुठे थे बघा. शेयर होना जी टीवी. कौन दबा कमेंट सकते एंड के दो.